हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं डाल सका। दोस्तों मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं नहीं डाल सका और वो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है और जल्द ही उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों आज मैं टाइम निकाल कर आप सभी के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीपल एंड एनवायरनमेंट का है, और इसमें से दोस्तों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो हर बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं और अभी तक बहुत बार वो आए हैं और आगे भी उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये देखिए दोस्तों, जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है। इन्होंने इसका परसेंटेज पूछा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड, इन्होंने इसका प्रतिशत पूछा हुआ कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया में उसका कितना प्रतिशत है, तो ये इन्होंने पूछा हुआ है। दोस्तों इससे ये घुमा फिरा के काफ़ी तरह के क्वेश्चन देते हैं इससे परसेंटेज से रिलेटेड, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें। तो दोस्तों ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो यहाँ से रिपीट हुए हैं बार बार, और दोस्तों इसका मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जहाँ से आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। इसके अंदर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्स है वो पूछा हुआ कि कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, ये पूछा हुआ है। और अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो ये रहा, इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ये क्वेश्चन करीब 3 बार पहले भी आ चुका है, और उन क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ था, नमक की जगह उन्होंने किसी में लवण दे दिया, किसी में साल्ट लिख दिया, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के उन्होंने पूछा हुआ था, और ये जो 3 क्वेश्चन पहले आए थे वो 2010 का जो क्वेश्चन पेपर हुए थे हमारे, पहले के 2010 से पहले के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। तो ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिखा देता हूँ मैं आपको और किस तरह से रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी इनका जो स्रोत है वो पूछ लिया, सोर्स है वो पूछ लिया कि कौन सा नवीकरणीय स्रोत है या नहीं। और आगे हम देखते हैं, अगर इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें भी यही बात आपको दिखाई देगी। देखिए नेचुरल रिसोर्स इन्होंने पूछा हुआ कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप नेचुरल रिसोर्स अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और देखते हैं हम इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 53, इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित अक्षमता को बढ़ाकर कहाँ तक बढ़ाने की योजना है। यानी कि इन्होंने टारगेट पूछा हुआ कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट क्या है भारत सरकार का, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 350 गीगावाट है। और इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे 2030 का पूछा हुआ है, तो काफ़ी बार ये 2022 का भी पूछ लेते हैं, 2025 का पूछ लेते हैं, तो इन सभी का हमें पता होना ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा, अभी मैं दिखाने वाला हूँ उस नोट्स में सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें कहा है कि वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। दोस्तों ये भी जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने टारगेट पूछा हुआ कि बायोमास से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेना, अभी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके, अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें इन्होंने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का जो टारगेट है वो पूछा हुआ है इन्होंने,
ठीक है, ये देखिए लक्ष्य रखा है, यानी कि इन्होंने टारगेट पूछा हुआ है कि 2022 में क्या लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने 2030 का पूछा हुआ था, अब इन्होंने 2022 का पूछ लिया, तो अगली बार हो सकता है 2025 का पूछ ले या 2028 का पूछ ले, तो इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारा है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों वही बात आ रही है, टारगेट पूछ रहे हैं बार बार, किसी में बायोमास का पूछ रहे हैं तो किसी में जल विद्युत का पूछ रहे हैं। देखिए हमारी कई तरह की जो ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे कि पानी से कर सकते हैं, हवा से कर सकते हैं, और काफ़ी तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन सभी का इन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ। कभी इन्होंने एक बात और दोस्तों, हमने पेपर फर्स्ट की सेपरेट टॉपिक वाइज पीडीएफ बना रखी है, जैसे कि 2012 से लेकर 18 तक रिसर्च में जो क्वेश्चन आए वो अलग है, और एनवायरनमेंट में आए वो अलग है, टीचिंग के जो आए वो अलग है, तो उनको आप देख के आसानी से पता लगा सकते हैं कि रिसर्च के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आईसीटी में कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप करके बिल्कुल आसानी से अपना नेट क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस पीडीएफ में से 2018 का जुलाई का जो पेपर हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी रिपीट हुए थे। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों इस पीडीएफ की कुछ सामान्य कॉस्ट भी हो सकती है। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें से। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये करना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2018 का री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम का मतलब ये है दोस्तों, जो कुछ स्टूडेंट्स का, यानी कि इलाहाबाद में पता नहीं कौन से सेंटर पे वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम हुआ था 50-100 स्टूडेंट्स का, तो उस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। ये सभी का नहीं हुआ था, कुछ स्टूडेंट का हुआ था, तो उसमें हम देखते कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर मैं दिखाऊँ आपको, हाँ ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पूछा हुआ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुसार 2022 तक। अब ये देखिए इन्होंने 2022 का इन्होंने टारगेट पूछ लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो एग्जामिनर है घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा एवं वायु ऊर्जा, यानी कि दोनों का इन्होंने पूछ लिया, यानी कि दोनों का इंक्लूड करके हमें इसका आंसर देना है, तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका नोट्स दिखाता हूँ कि कहाँ से आपको ये तैयारी करनी है, कहाँ से आपको ये प्रिपेयर करना है। ये देखिए दोस्तों, विकिपीडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया का ये पेज है ऑफिशियल, और इसके अंदर इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की क्या टारगेट वगैरह रखा हुआ है, क्या पोजीशन है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी अभी अपडेट की है 2-3 दिन पहले ही, तो यहाँ से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले जो सोलर पावर से टारगेट कितना रखा हुआ था, 20 गीगावाट रखा हुआ था 2022 तक, लेकिन अब उसे बढ़ाकर, यानी कि जनवरी 2018 में बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया है सोलर पावर का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जनवरी 2018 में सोलर पावर की जो कैपेसिटी, यानी कि टारगेट है, वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर जो इंडिया के जो स्टेट है उनका भी टारगेट रखा हुआ कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तो ये भी आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये जो पीडीएफ है आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत से क्वेश्चन निकल रहे हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इस पीडीएफ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के आने की संभावना है। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर फिर से इन्होंने 2022 का टारगेट दे दिया है
और इसके अंदर देख सकते हैं कि सभी की गीगावाट अलग अलग दी है। ये देखिए 5 गीगावाट फ्रॉम समाल हाइड्रो पावर, और इसमें से एक क्वेश्चन अभी पिछले के पेपर में आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक ये 175 गीगावाट का ये आया हुआ है, और ये 10 गीगावाट का बायोमास का आया है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने अभी पीछे देखे थे, ये आए हुए हैं। तो यहाँ से और भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो आगे आने की संभावना है। और अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 का टारगेट दिया हुआ है, और इसके अंदर अगर आप और देखोगे तो आपको आगे का भी टारगेट नज़र आ जाएगा, यानी कि आगे 2030 के अंदर क्या टारगेट रखा गया है, ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस PDF को आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, इसकी कोई चार्जेज नहीं है। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रहा 2030, तो 2030 का यहाँ पर आपको टारगेट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये आप PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ये PDF ले सकते हैं और अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।